आज हमारे लेक्चर में हम तारकनाथ दास जी के बारे में, जो कि एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे, वेस्ट बंगाल से इनका रिलेशन था 24 परगना से, और बहुत ही ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी नेता थे ये, इनके बारे में मैं आपके सामने एक लेक्चर ला पा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब इनके बारे में इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, और मैंने यूट्यूब पे भी देखे बहुत कम वीडियो इनके बारे में है। तो तारकनाथ दास जी, जो कि हिडन यानी छुपे हुए एक भारतीय रेवोल्यूशनरीज थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा वृत्तांत मैं आपको देना चाहता हूँ। तारकनाथ दास या तारकनाथ दास बोलते हैं इनको, बांग्ला में भी इनका नाम लिखा हुआ तारकनाथ दास। 15 जून 1884 में इनका जन्म हुआ था, और 22 दिसंबर 1958 में, यानी इन्होंने आजादी देखी थी, आजादी के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। एक ब्रिटिश विरोधी भारतीय बंगाली क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे क्योंकि इन्होंने वैंकूवर में भी एक पत्र निकाला था, और गदर पार्टी के भी ये सदस्य थे। वे उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट में एक अग्रणी अप्रवासी थे, और टॉलस्टॉय के साथ अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा किया करते थे। जबकि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में एशियाई भारतीय अप्रवासियों को सुनियोजित कर रहे थे। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, यानी ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा बड़े विद्वान थे वो, और साथ ही कई अन्य विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी वे कार्यरत थे। ये तो हुआ उनका शुरुआती परिचय। अब कुछ और परिचय भी देख लेते हैं। तारकनाथ दास, इनकी फोटो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी हर वीडियो में हम फोटो जरूर दिखाते हैं। जन्म इनका हुआ था 15 जून 1884 में कंचरापाड़ा, जो कि है 24 परगना, बंगाल, भारत। मौत इनकी हुई थी 22 दिसंबर 1958 को 74 वर्ष की एज में, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। धर्म इनका था हिंदू, और जीवन साथी इनकी थी मैरी कैटिनेज मॉर्स, इन्होंने वहीं पे शादी की थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में इनके हम देखेंगे। पारक का जन्म पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कंचरापुरा के करीब मंजूपाड़ा में हुआ। उनका संबंध एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहा, जहां उनके पिता कालीमोहन कलकत्ता के केंद्रीय टेलीग्राफ ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। अपने मेधावी छात्र के पढ़ने लिखने की विशिष्ट योग्यता को देखकर उनके प्रधान अध्यापक ने उन्हें देशभक्ति के विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। देशभक्ति के बारे में एक प्रतियोगिता थी उस समय। 16 वर्ष के इस छात्र के द्वारा लिखे गए निबंध की गुणवत्ता से प्रभावित होकर उपस्थित जदों में से एक बैरिस्टर पी मीटर, जो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ने सहयोगी सतीश चंद्र बसु से इन्हें भर्ती करने के लिए कहा। सतीश चंद्र बसु जी से उन्होंने कहा भाई इसे भर्ती कर लिया जाए। 1901 में प्रवेश परीक्षा में उच्च नंबर के साथ पास होने के बाद तारक कलकत्ता के लिए रवाना हुए, और विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए प्रसिद्ध जनरल असेंबली के संस्थान, वर्तमान में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। अपनी गुप्त देशभक्ति गतिविधि में उन्हें बड़ी बहन गिरिजा से पूरा पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, मतलब वो भी एक देशभक्त थी गिरिजा भी, उनकी बड़ी बहन। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। एक मिशन की उत्पत्ति, यानी ये एक मिशन पे चल रहे थे कुल मिला के। बंगाली उत्साह को बढ़ावा देने के क्रम में शिवाजी के अलावा एक महानतम बंगाली नायक राजा सीताराम राय के उपलब्धियों की स्मृति में एक त्यौहार की शुरुआत की गई। शिवाजी की जयंती उस समय महाराष्ट्र में शुरू हुई, तो इन्होंने भी अपने बंगाली नायक सीताराम राय की स्मृति में त्यौहार मनाया। 1906 के प्रारंभिक महीनों में बंगाल के पूर्व राजधानी जयसोर में मोहम्मदपुर में सीताराम उत्सव की अध्यक्षता करने के लिए आज बाबा जतिन या जतेंद्रनाथ मुखर्जी को आमंत्रित किया गया, तो उसके साथ तारक भी इसमें शामिल हुए। तो वो जो सीताराम उत्सव मनाया गया उसमें ये भी शामिल हुए, और वो बंगाली नायक है सीताराम राय, नाम से काफी फेमस है। इस अवसर पर एक गुप्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तारक, श्रीचंद्र सेन, सत्येंद्र सेन और अधरचंद्र लश्कर सहित जतिन भी उपस्थित थे। सभी को एक के बाद एक विशेष विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना था। 1952 तक एक गुप्त बैठक के उद्देश्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब बातचीत के दौरान तारक ने उसके बारे में बताया, तो विशिष्ट उच्च शिक्षा के साथ उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और विस्फोटकों का ज्ञान भी प्राप्त करना था। उन्होंने विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के फैसले के पक्ष में स्वतंत्र पश्चिमी देशों के लोगों के बीच सहानुभूति का वातावरण बनाने का प्रयास किया, उन्होंने आग्रह किया, तो आग्रह किया था उन्होंने। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका में उनका जीवन कैसा था। उत्तरी अमेरिका में जीवन, तारक ब्रह्मचारी के नाम से वे एक साधु के भेष में व्याख्यान दौरे के लिए मद्रास गए। स्वामी विवेकानंद और विपिन चंद्रपाल के बाद वे ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाषणों द्वारा देशभक्ति का जुनून पैदा किया। मतलब ये भाषण इस प्रकार देते थे कि देशभक्ति का जुनून पैदा होता था, हर कोई देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता था। युवा क्रांतिकारियों के बीच एक विशेष रूप से नीलकंठ ब्रह्मचारी सुब्रमनिया शिवा चिदंबरम पिल्ले से प्रेरित हुए। 16 जुलाई 1907 को जापान के माध्यम से तारक सिएटल पहुंचे। खेत मजदूर के रूप में अपनी आजीविका चलाने के बाद वह छात्र के रूप में प्रवेश करने से पहले वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्किनले की प्रयोगशाला में उनकी नियुक्ति हुई। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सिविल प्रशासन के लिए अनुवादक और दुभाषी के रूप में योग्यता हासिल की, और वे जनवरी 1908 में आवर्जन वैंकूवर विभाग में प्रवेश हुए। वहां उनकी मौजूदगी में कलकत्ता पुलिस सूचना सेवा के विलियम श्री हॉपकिंसन, जो कि 1878 से 1914 का आगमन हुआ, उनकी नियुक्ति आवर्जन इंस्पेक्टर और हिंदी पंजाबी गुरुमुखी के दूरभाषी के रूप में हुई।
60 वर्षों के लंबे समय के दौरान गुप्त घात तक एक सिख द्वारा हॉपिंगसन को तारक जैसे उग्र सुधारवादी छात्रों की उपस्थिति के बारे में भारत सरकार को उसके बारे में विस्तृत और नियमित रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता थी और बेला सिंह के नेतृत्व में मुखबिर ब्रिटिश सिख समूहों की निगरानी करनी थी। तो मुखबिरों वाला नेटवर्क भी चल रहा था कि भाई इस तरह से उग्र आखिर कौन है, तो उग्र थे जो वो तारकनाथ दास थे। पांडुरंगा खानपुरजी बीजी तिलक के दूत के साथ तारक ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जतिन मुखर्जी यानी बागा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं के द्वारा भेजे गए पैसों के साथ कलकत्ता में अधर लश्कर आए और तारक को इंग्लिश में उनकी फ्री हिंदुस्तानी पत्रिका शुरू करने के साथ साथ गुरन दित कुमार को 31 अक्टूबर 1907 को कलकत्ता से आए थे द्वारा गुरुमुखी संस्करण स्वदेश सेवक सर्वेंट्स ऑफ द मदरलैंड को प्रकाशित करने की हामी भरी। फ्री हिंदुस्तान ने कॉन्स्टेंट वेसेंडेन द्वारा कनाडा में पहला दक्षिण भारतीय प्रकाशन और उत्तरी अमेरिका के शुरुआती पत्रिकाओं में से एक होने का दावा किया। उन्हें प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन बोस से सहायता मिली थी जो विस्फोटकों के एक विशेषज्ञ थे। नियमित रूप से पत्राचार के माध्यम से टॉलस्टॉय डिंडमैन श्यामजी कृष्ण वर्मा मैडम कामा जैसी हस्तियों द्वारा तारक को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होती रही। उन्होंने समुदाय प्रवक्ता के रूप में वर्णित वैंकूवर में एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना 1907 में की। ये 1907 वाली बात बहुत ही फेमस घटना थी इतिहास की कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया। आगे देख लेते हैं। मौजूदा कानूनों के साथ पूरी तरह से परिचित होने के नाते तारक ने अपने हम वतन की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जिसमें से अधिकांश पंजाब क्षेत्र से अंतर प्रवासी थे। न्यू वेस्टमिंस्टर के पास मिल साइड में उन्होंने एशिया में भारतीय अप्रवासी बच्चों के लिए स्वदेश सेवक होम नाम का एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा इस स्कूल में शाम को अंग्रेजी और गणित की कक्षाओं का आयोजन किया जाता था। इस तरह अप्रवासी को उनके परिवारों और उनके नियोक्ताओं को पत्र लिखने की मदद मिलती थी जिससे भारत के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रति धारण किए गए नए देश के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की मदद मिलती है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तटों पर लगभग 2000 भारतीय थे जिसमें ज्यादातर सिख थे। अधिकांश लोग कृषि और निर्माण का कार्य करते थे। आरंभिक असफलताओं के बाद वे भारतीय किसान 1910 के दशक में प्रारंभ कैलिफोर्निया में चावल एक भरपूर फसल पर सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुए। उनमें से अधिकांश लोग चीन जापान कोरिया नॉर्वे और इटली से अनुबंधित श्रमिकों के साथ कैलिफोर्निया के वेस्टर्न पैसिफिक रेलवे की इमारत में काम करते थे। तारक के जैसे रेडिकल ने भारत विरोधी हिंसा बहिष्कार की राजनीति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीयों को तैयार किया। आगे भी थोड़ा सा वृत्तांत हो रहा है। एशियाई भारतीय प्रवासियों को रिश्वत लेने की संदिग्धता होने के नाते हॉकिंसन ने तारक को बलि का बकरा बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। 1908 के मध्य में उन्हें कनाडा से निष्कासित कर दिया गया। हम वतन के भावी प्रभावी के रूप में बोस कुमार और सगन खिराज वर्मा यानी हुसैन रहीम के नाम से प्रसिद्ध को छोड़कर तारक सिएटल से सैन फ्रांसिस्को के इलाके में ध्यान देने के लिए वैंकूवर चले गए। सिएटल पर पहुंचने के बाद जुलाई 1908 के अंक के बाद ही फ्री हिंदुस्तान अधिक खुलकर ब्रिटिश विरोधी का अंग बन गया जिसमें तारक का एक आदर्श वाक्य शामिल था, सभी अत्याचार के खिलाफ मानवता के लिए एक सेवा और सभ्यता का कर्तव्य है। NYC आधारित गैलिक अमेरिकन अखबार के आयरिश क्रांतिकारी जॉन फ्रीमैन ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सही नेता प्रतीत होते थे जो कि सैमुअल एल जोशी और बरकतुल्ला नामक दो भारतीयों की काफी निकट थे। फिट जो ग्रॉल्ड आमंत्रित के द्वारा आमंत्रित नए अगस्त अंक को प्रकाशित किया। न्यूयॉर्क से फ्री हिंदुस्तान की कई अंकों को जारी किया। 1908 में नॉर्चिक विश्वविद्यालय नॉर्थफील्ड वॉर्नफोर्ड में शामिल हो गए जो कि सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में एक उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और सैन्य स्थापना था। उन्होंने भी वॉर्मोंट नेशनल गार्ड में भर्ती होने के लिए आवेदन भरा। सभी जातीय मूल के छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनके ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों जैसे कि फ्री हिंदुस्तान संपादन जैसे कार्यों के कारण उन्हें उस संस्थान से निष्कासित कर दिया गया। 1909 के अंत तक वे सिएटल से वापस आए। उनके बारे में वृत्तांत अभी और भी है और गदर पार्टी की स्थापना वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।